गवर्नमेंट जिसके आगे डैश लग ये होता पे 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 ये होता है। कभी आपने पहले पढ़ा तो थ्री टीयर सिस्टम कुछ लोग टायरी बोलते हैं, टीयर ही बोलते हैं, ठीक है। थ्री टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज पूरा है। सर क्या आते हैं तीन के अंदर, तीनों टीयर्स के नाम बताओ जरा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। सर आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इम्पोर्टेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंट है, ये पढ़नी है। बस कमीज के लिए यही चीज़ पढ़नी है, इन तीनों के सिस्टम मीनिंग समझने, उनके फंक्शन समझने, तीनों काम क्या है और उसके अलावा, ठीक है। ठीक है पढ़ते हैं। वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द होल कंट्री। वो कह रहे हैं हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि कंट्री को लुक आफ्टर करती है, आफ्टर करती है, ठीक है। एंड वाइल वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, पूरे 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 कंट्री को एज होल देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके एरिया की बात है, आप पीएम मोदी से थोड़ी लेके जाओगे, नहीं होगा, ठीक 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 है। वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो जो लीडर होगा, वो आपके लोकल, एक इंटीग्रल, 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 इंटीग्रल मतलब एक ऐसा पद जिसको अलग ही ना कर सको, है ना। अब लेना, 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 अब लेना। अभी करने की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं लड़ाई समझी, ग्रुप ऑफ सही समझी, ग्रुप ऑफ सही समझी, ग्रुप ऑफ सही समझी, ग्रुप ऑफ पीपल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड, लोकली इलेक्टेड, लोकली इलेक्टेड, लोकली इलेक्टेड, लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उस ग्रुप में कौन है, लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लोकली जो आपके लोकल एरिया में से जिनको इलेक्ट किया गया है रिप्रेजेंटेटिव, जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करे, है ना। एंड क्या करेगा, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द लोकेलिटी, जो कि आपके लोकेलिटी के अफेयर्स को मैनेज करेगा। एंड प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज, आपको 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 बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा, ऑब्वियसली होता है। फिर कह रहे हैं सल एरिया, 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 सच एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड पंचायत। बिकॉज रूरल एरिया में इसको होते हैं, अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को, इसी चीज़ को लोकल गव, 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 लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिफरेंस है। लोकल गवर्नमेंट और लोकल, लोकल गवर्नमेंट और लोकल, लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, 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 इंपॉर्टेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज क्वाइट डिफरेंट, स्टेट को कह रहे हैं, वाली 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 स्टेट को कह रहे हैं।
अगर लोकल गवर्नमेंट होते, लोकल गवर्नमेंट स्टे जिनको 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 स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज क्या पोस्ट वगैरह बेसिक हमने ऊपर पढ़े 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 पुरो पढ़े पुरो पढ़े पुरो पढ़े पुरो पढ़े पुरो पढ़े पुरो पढ़े प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज को सर्विसेज देते हैं टू द लोकल पीपल। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता आपकी बात में, आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है। इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लोकल अफेयर्स, उनको उन चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ता, एडमिनिस्ट्रेशन केस होता है, बस आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग, तो हो गया लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ अपॉइंटेड लोग करेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कह रहा है। इसके अंदर कौन से लोग होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इनको यहाँ पर सैलरी मिलती है, इन लोगों को, इनको यहाँ देंगे, एक हर बार पैसा 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 देंगे। एक बार पैसा दे दिया, बस ग्रांट दे दी, डोनेशन दे दिया, मैनेज कर लो अपने आप, है ना। इस तरह के कंटिन्यूस डोनेशन भी मिलते रहते हैं, ठीक है। पर ये सैलरी पक्की वाली सैलरी नहीं होती है, देर सिर्फ गवर्नमेंट के आंसर। क्यों पैसा मिलता है इनको? ताकि आप अपने आप साफ सफाई रखवा सको, सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट फॉर बहुत जो समझदार लोग हैं आपके गाँव में, हैं 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 तो उनकी बातें कर रहा है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सिग्निफिकेंस क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। मैंने कह रहा हाँ, बेसिक से देखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। दिस इंपॉर्टेंस ऑल्सो स्ट्रेसेस द नीड फॉर हैविंग सच इंस्टीट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंस है ना, इसी इंपॉर्टेंस की वजह से बने हैं, ये भूमिका बेसिकली बता रहे हैं। तो सर बात है, ठीक है, ढंग से एक ही बात है, ठीक है, ढंग से एक ही बात है, ठीक है, ढंग से एक ही बात है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द फाउंडेशन, दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन विच द एंटायर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आर कंट्री स्टैंड्स। एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना, पूरे एंटायर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का। सर कैसे? मतलब ये कंट्री एज अ होल है, ये कंट्री एज अ होल है इंडिया। क्या इंडिया अकेला एक ही चीज से मिलकर ना, वैसे इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे स्टेट्स हैं, ये कैसे बनी हुई है? डिस्ट्रिक्ट कह लो, सिटी डिस्ट्रिक्ट कह देता हूँ मैं इसको।
है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट शहर छोड़। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सर जो विलेज है ना, विलेज जहाँ पर लोकल सर्व गवर्नमेंट आती है, सर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए नीचे से ऊपर उठ, कैसे ऊपर जा पाओ, कैसे ऊपर जा पाओगे? तो बेसिक फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। जब तक विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, पूरे कंट्री का एज होल कैसे स्ट्रांग हो जाएगा? तो इसे लिखा हुआ बेसिक, इसे लिखा हुआ एक फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बेसिक है ना, एकदम एकदम पार्ट है ये। तो पहली इम्पोर्टेंस तो ये है, ये पूरी कंट्री के दीज इंस्टीट्यूशन, दीज इंस्टीट्यूशन, दीज इंस्टीट्यूशन, दीज इंस्टीट्यूशन, दीज इंस्टीट्यूशन मेक इट पॉसिबल फॉर लोकल पीपल टू टेक इंटरेस्ट इन देयर ओन अफेयर्स। ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी से डेटा, ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी से डेटा, ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी से डेटा, ठीक है, कोई काम का नहीं है। आप समझ सकते हैं इंग्लिश में ना, द लोकल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, जो लोकल इंस्टीट्यूशन होते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर लोकल लीडरशिप एंड टू गेन नेसेसरी एक्सपीरियंस फॉर अंडरटेकिंग बिगर चैलेंजेस एट द स्टेट और नेशनल लेवल। यहाँ पर आपको बड़े लेवल की तैयार भी किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं गाँव में रहकर, गाँव में लिमिटेड रह जाओगे, नहीं, आपको गाँव में रहकर आपको आगे की भी नो थे प्रॉब्लम, थे प्रॉब्लम, थे प्रॉब्लम सर, अपने गाँव के लोग हैं, अपने लोग हैं, ये किसी के सामने नहीं, ठीक है, किसी के सामने नहीं, ठीक है, किसी के सामने पर रोना रखना नहीं है, किसी के सामने प्रॉब्लम नहीं रखनी, सब फैमिलता ही रहते हैं गाँव में, तो फैमिलता ही रहते हैं गाँव में, तो ठीक है। तो यहाँ पे सर अपने लोग होते हैं, थोड़ा कंफर्ट होता है कि हाँ ये अपने लोग हैं, ये हमें अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे एंड आर बेस्ट जजेस, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से जज भी कर पाएंगे। तो वो लिखा हुआ है लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम वेल एंड डोंट नीड जस्ट फॉर देयर ओन नीड, अपनी जरूरत के हिसाब से वो बेस्ट जज हैं, ठीक है। द लोकल इंस्टीट्यूशन लोकली बेसिक वो कर, लोकली बेसिक वो कर, लोकली बेसिक वो कर देंगे, आप खुद से अपनी हेल्प कर सकते, खुद से हेल्प करने वाले थे कि मैं मेरी हेल्प खुद से करूँगा। यहाँ पर सेल्फ कौन लेता है कि मैं गाँव में रहते हैं, सब एक फैमिली है, तो आपस में हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहे, ठीक है। एंड वॉलंटियर सर्विस अपनी फ्रीली, अपनी बस इच्छा, फ्रीली अपनी बस इच्छा, फ्रीली अपनी बस इच्छा से सेवा भाव से किसी की हेल्प करने के पर्पज से आप सर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, वो सर्विस देते रहो। सेव द स्टेट ऑफ फालतू खर्चे कम, फालतू खर्चे कम, फालतू खर्चे कम, फालतू खर्चे कम कर सको, ठीक है। लोकल सेल्फ लोकल कम्युनिटीज भी कर रही, लोकल कम्युनिटीज में लोकल जो लोग होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कैन रीच ऑर्डिनरी सिटीजन टाइम्स ऑफ नीड लाइक नेशनल इमरजेंसी, सर नेशनल इमरजेंसी और आ जाए हर घर, और आ जाए हर घर, और आ जाए हर घर, और आ जाए हर घर से आपको एक वॉरियर चाहिए हो, सोल्जर चाहिए हो, तो कैसे इंटीमेट करोगे सभी लोगों को? सबों को इंटीमेट करना तो पॉसिबल नहीं है कि पीएम मोदी सबों के घर पे आएंगे, तो क्या करेंगे? इनकन्फर्म करमेंट, इनकन्फर्म करमेंट, इनकन्फर्म करमेंट, इनकन्फर्म करेंगे, फिर ये लोग आराम से उनको इन्फॉर्म कर देंगे। तो अथॉरिटी के लोग, बड़े 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 अथॉरिटी के लोग सीधे नहीं जा सकते सबों के घर पे करके। दीज इंस्टीट्यूशन लेसन द बर्डन ऑफ, बर्डन ऑफ वर्कलोड ऑन द स्टेट एंड सेल्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी, उसको छोड़ दो मशीनरी को छोड़ दो, वहाँ पे बस सीधे वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा बर्डन कम हो जाता है, वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो लोग लोकली अपने आप को मैनेज कर देते हैं, ठीक है, उनको अपने ऑफिसर्स नहीं बैठाने पड़ते ज़्यादा, ठीक है, अपना मैनेज हो जाता है। दे फैसिलिटेट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल एज एन इंडिविजुअल एज सॉरी दे फैसिलिटेट एक्टिव लोकल पीपल एज परफॉर्मेंस, 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 परफॉर्मेंस ऑफ वो एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, वो कह रहा है कि लोग गवर्नमेंट की सबसे बढ़िया बात है कि आप ऐसे लोगों को इलेक्ट करोगे, आप ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट करने दोगे जिनको आप बहुत अच्छे से वैल्यूएट कर सकते हो, है ना, जिनको आप अच्छे से जानते हो,
पंचायती राज सिस्टम वॉज द फर्स्ट इनोग्रेटेड एट नागपुर इन राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1958। इट फॉल अब सबसे पहले जो सबसे पहले सिस्टम है इनका थ्री टीयर सिस्टम है। तो पहला जो टीयर है ना, पहला जो स्टेप है, पहला जो है वो पंचायती राज होता है। तो वो क्या सबसे पहले जो पंचायती राज बनी थी, सबसे पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो पहला स्टेप जो कहीं पर बना था वो पंचायती राज, वो बना था नागौर में जो कि राजस्थान में। किस डेट फर्स्ट या देख सेकंड को रखनी है, फॉलोड बाय का मतलब था सेकंड। सेकंड आंध्र प्रदेश में हुई थी उसी साल में 1959 में। डेट को याद मत रखना, मतलब एग्जैक्ट डेट मत याद रखना, 1959 याद रखना, ठीक है। रियल ब्रेक थ्रू केम ऑन 24 अप्रैल 1996 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इन टू फोर्स। डेट इज रिटन एंसर इज सेलिब्रेटेड एज एन एंसर इज सेलिब्रेटेड एज एन एंसर पंचायती राज दिवस एवरी ईयर। सबसे बड़ा जो बेहतर नहीं, सबसे बड़ा जो मतलब जो इम्पैक्ट आया वो ऐसे नहीं आया, वो तो आया था 24 अप्रैल 1993 को। क्यों? उस दिन एक एक्ट इन्फोर्स हो गया थे। क्या था सर? लॉ में क्या था? उस लॉ में लिखा था कि हर गांव में, ये लिख दिया गया था कि हर गांव में थ्री टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज होना चाहिए। हर गांव में पंचायती राज सिस्टम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस गांव में नहीं भी है ना तो वो बना लो अपने यहाँ पे, तो वो बना लो अपने आप अपने यहाँ। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसीलिए 24 अप्रैल को, नेशनल पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब हम जो लॉ आया था ना उसके फीचर्स क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो पहला पॉइंट के लिखा हुआ है टू प्रोवाइड थ्री टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। थ्री टीयर सिस्टम यानी तीन लेवल, 20 लाख जहाँ जहाँ जिस स्टेट में पंचायत इलेक्शन भी हो रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन, इन लोगों को भी प्रिजर्वेशन दो, इन लोगों को भी इलेक्शन में लड़ने का राइट दो, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी फाइव ईयर्स टू मेक रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर ऑफ पंचायत। पंचायतों की पावर क्या हो, फाइनेंशियल पावर, तो उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन ही बनाया गया है, और जो हर 5 साल बाद क्या किन पंचायतों की ये पावर है, जिनकी ये पावर है, पावर फाइनेंशियल पावर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट डीपीसी, डीपीसी मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाए, एक शहर बनाया जाए, टू प्रिपेयर ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट रेडी करें जिसमें क्या लिखा होगा, डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, जिसके अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे, वो सारा प्लान उसके अंदर होगा, ठीक है। ये सब हमें लिखा होता थ्री टीयर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज केम इनटू इफेक्ट इन अप्रैल 1993, ठीक है। 1993 में इफेक्टिव हुआ था ये। देर वर द पंचायत सिर्फ ब्रिज लेवल पर पंचायत है एंड ब्लॉक समिति एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एट दी अपेक्स, यानी सबसे ऊपर ब्लॉक समिति, उनके ऊपर ब्लॉक समिति और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते थे। द नॉमन क्लेचर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वगैरह, सब कोई ब्लॉक समिति बोल रहा है, ठीक है तो ये नॉमन क्लेचर जो है, ये शब्दावली जो है ना, वोकैबुलरी जो है नॉमन क्लेचर है ना, तो ये है ना ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती थी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मीन थ्री टीयर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रिज एट द बेस, ठीक है, जहाँ पे स्मॉल ब्रिजेस होते थे या ग्रुप ऑफ स्मॉल ब्रिजेस होते थे, या फिर तब फिर उसके बाद तब पंचायत समिति, उसके बाद होती पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होती थी, जहाँ पे बहुत एक कंस्ट्रक्ट किया जाता था।
फिर एक जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं।